भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित मदबापुर थाना के महज चंद कदमों की दूरी पर सोमवार की रात भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। 12 से 15 की संख्या में हथियार से लैस पहुंचे नकाबपोश अपराधियों ने जमकर बमबारी करते हुए पिस्टल व लोहे की रॉड से मारकर 7 लोगों को जख्मी कर दिया और घर में रखे 26 लाख रुपए लूटकर चले गए, जिससे मदबापुर में दहशत का माहौल कायम है, जबकि पुलिस की नाकामी व लापरवाही पर ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया है। बताते चले कि मदबापुर के इस्लाम चौक के समीप वार्ड नंबर 5 में सोमवार की रात करीब 1 बजे मोहम्मद सिराजुल राइम के घर में पिस्टल व हथियार से लैस करीब 12 से 15 की संख्या में अपराधियों ने घुसा। इससे पहले मोहल्ले के हर एक घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर बमबारी कर दहशत पैदा किया। इसके बाद सिराजुल राइम के घर में घुसकर मारपीट कर 7 लोगों को लहूलुहान कर दिया, फिर पेटी व बक्सा में रखा 20 लाख भारतीय व 6 लाख नेपाली रुपए और आभूषण लेकर फरार हो गया। बगल के छत पर सोए लोग शोरगुल की आवाज सुनकर उठा तो छत पर भी बमबारी कर दिया, जिसके कारण लोग दहशत में आ गए और डर के मारे अपने घर में बंद रह गए। जख्मी में 60 वर्षीय सिराजुल राइन, उसका पुत्र 35 वर्षीय मोहम्मद जमीर अख्तर, 30 वर्षीय मोहम्मद हैदर अली, 27 वर्षीय संजीला खातून, 30 वर्षीय जरीना खातून, 50 वर्षीय अमीना खातून शामिल है, जिसमें 5 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया है। पीड़ित मोहम्मद सिराजुल राय ने बताया कि हमने जमीन बेचकर 20 लाख रुपए और 6 लाख नेपाली रुपए घर में रखा था। अपराधी ने घर में घुसकर पहले मेरे कनपट्टी में पिस्टल सटाया और बोला कि जमीन बेचा वो पैसा कहां रखा है। इतने में मेरा पुत्र व घर के लोग उठे तो सभी को लोहे की रॉड व पिस्टल की भेंट से मारकर सर फोड़ दिया, हमें भी मारा, जिसके कारण हम लोग बेहोश हो गए और घर में रखा 26 लाख रुपए, 10 भर सोना और चांदी लूटकर ले गया। ग्रामीण मोहम्मद वसीर अब्बास, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद मुख्तार, वकील लड्डू तैयब, मोहम्मद हामिद, मोहम्मद अकबर अली समेत लोगों ने बताया कि बमबारी से हम लोग दहशत में आ गए। जो घर से निकल रहा था उसके साथ मारपीट व पिस्टल का भय दिखा रहा था, सभी नकाब पहने हुए था। इस बीच हम लोग मदबापुर थाना प्रभारी गया सिंह को फोन कर रहे थे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, जबकि घटना के दौरान चौकीदार बगल में छुपकर सब कुछ देख रहा था। बगल में थाना होने के बावजूद पुलिस घटना के 1 घंटे बाद पहुंची, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें हम लोग मांग करते कि ऐसे लापरवाह थाना प्रभारी को बर्खास्त कर सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल करे और घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द हो। बहरहाल पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर घटना की जांच कर रही है, लेकिन थाना के महज चंद कदमों की दूरी पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाना पुलिस के कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बाबत SDP अरुण कुमार सिंह ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है, जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किस तरह से घटना हुआ? घटना हुआ, हम सब सोते थे, बच्चा आदमी भर आनी था, उसको बाद में उठाया, आप पिस्तौल लगा दिया, आप पहले 2 लाठी मार दिया यहाँ पर पिट्ठी पर, कहता कि कहाँ पैसा रखा हुआ 20 लाख रुपया बताओ जल्दी। हमला तो इसमें पिस्तौल लगा लिया, केबारी खोलवाओ, हल्ला नहीं करो, गाँव शादी बोलवाओ, लात लेके मरल गए केबारी में 3 आदमी, हमर बेटा खोल दिल दिया, खोल दिल के तो अगर पहले 1 लाठी मारल के तो ये फोड़ दिल दिया, और छोटकी कन्या के छोरा मारने आई पास वही बार भे गए, उसका बाद में बड़का बेटा के ये फट गया सिर, 2 अठी मने सबके लेके दरभंगा गया, रेफर कर दिया। पहचान रहे थे जो कौन लोग था? पहचाने नहीं, सब सब नका पे लेके बांधा था, गमछा लेकर के कितना ढके था, इसलिए कि हम बेहोश हो गया है, हमारा लग 2 आदमी आइए सटा के बैठा हम पड़ल छी, कहलिए उठ के खाली भागब, केमरो इकलबो करब, तो फट दे फिर 2 लाठी मार देल के पिट्ठी पर, बड़का बेटा के अ पर फाड़ देने आई कदाटी से फाड़ देने, ओ छत लेके उमर भाग भागेला कल के ये पकड़ा गेले, तो ये 10-12 लाठी लागले पूरा पिट्ठी फूलल है, आ उसका बाद में वही पर से कूदल छत पर से, उसका बाद में दुल्लू पुतौ का लगा रहा, एक बड़की पुतौ का उसका घर में था बच्चा था, दोबारा घूम कर आया तो अकरा मारल गई 2 लाठी, अभी टूट गया कि अब क्या है सर, लाए जाने का ले पैसा भी ले गया, पैसा ले गया है आपको 20 लाख रुपया आ 6 लाख इंडियन नेपाली 6 लाख इतना ले गया पैसा। कितने की संख्या में होगा वो लोग? सब 12-14 आदमी के लपेट में था। तो पुलिस कितने देर बाद पहुंची है? 2:30 बजे। घटना क्या बजे का है? 1:15 बजे, 1:30 बजे में वो सब निकल गया, उसके बाद पुलिस पहुंची है। हाँ, तब निकला इसमें जाता पुलिस से धरा जाता था, ये चले गया ये बॉर्डर के साथ ही पेट्रोल पंप से सीधा आई माही कर लिए सर। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सिराजुल राय। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से, पुलिस से, सरकार से, क्या चाहते हैं, क्या मांग करेंगे? क्या करेंगे, हमारा घर में तो पटका लटका बसता है नहीं बसता है, क्या जाने, बहुत हालत खराब है।
ऊपर सोते हुए हैं तीन आदमी, हम बाप बेटे सोते हुए हैं, देखे हम अपना भाई कहने हल्ला चिल्ला हो रहा है, कौन चीज का हल्ला चिल्ला हो रहा है, ये देखता है मारता पीटता है, तो हम कहते भैया डकैत हो, हम ऊपर से हल्ला कर रहे हैं डकैत, अंत में जो है बम छोड़ा, हम लोग का आने का हिम्मत नहीं हुआ, हम हल्ला करते रह गए, अब जब मतीबुल करने तो उसको कहे थाना फोन लगा डकैत, हमको भाई कहने डकैती हो रहा है, तो हम छत पर तड़प के भागे, इधर से आदमी सबको जोर था, सब जगह था, लेकिन डर के मारे नहीं कोई नहीं गया। पुलिस कितने देर बाद पहुंची है यहाँ? पुलिस रखिए ना आधा घंटा के बाद, आधा घंटा के बाद सब ये निकल के खाली हो गया, तब आधा घंटा के बाद। ये भी सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पर चौकीदार था, चौकीदार वहाँ पर था, हम काम में जो फोन करते जस्ट उठाता नहीं है, ऊपर से टाइम पे आता नहीं है, समझे, ऊपर से आता भी है तो जमर से बोलते मर जाता नहीं है, उसको बिलगाने में कमयामी हो जाता प्रशासन, सरासरी गलती प्रशासन की, किसी को नहीं है। कितने लेट यहाँ पर पहुँचा है पुलिस? आधा पौन घंटा का लेट पहुँचे, आधा पौन घंटा लेट पहुंचा है, पौन घंटा माने ना, और उसको दस पंद्रह फोन भी कर रहे तो उठा भी नहीं रहा, उसको फोन करे तो पूरा एड्रेस पूछ रहा, कौन बोल रहा है, क्या नाम है, पूरा एड्रेस बता रहे, मधुपुर में राजस्थान के पास आई है, तो बोला तू कौन बोल रहा है, सब पूछने के लिए मेरे पास इतना टाइम रहेगा तो ना, प्रशासन की पूरा पूरी कमजोरी है, और जितना आदमी है सब हल्ला कर रहा है, सबको बंदूक दिखा रहा है, बंदूक छोड़ रहा है, मेरे पास कुछ यहाँ पे गन रखे बोल रहे, मालूम तो कौन होता बोलने वाले, मेरे सामने पीट रहा है मेरा भैया को, तो मैं क्या करूँ। अच्छा अभी थे उस टाइम में, कितने की संख्या में रहा होगा? और लोग आदमी तो माने ना 15-16 आदमी है, 15-16 आदमी था। हाँ, अच्छा बमबारी भी किया है? हाँ हाँ बमबारी भी किया, मेरे अंगना के पास भी बेका हुआ, दो तीन बच्चा भी बच गया। अच्छा हाँ, और उसी प्रदेश का बच्चा भी बच गया, सब छत पर हल्ला कर रहा है, सबके पास बंदूक फेंक रहा है, बंदूक दिखा रहा है, बम फेंक रहा है, और जो निकल उसके गेट पर डंडा मार रहा है। अच्छा तो क्या प्रशासन सरकार से क्या मांग करेंगे? हम क्या मांग करेंगे, बोलेंगे प्रशासन की कमजोरी है।